मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 6 सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स सो लेट अस स्टडी सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज सिंगुलर नाउन सो सिंगुलर नाउन मीन्स द नाउन दैट नेम्स ओनली वन पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग इज कॉल्ड अ सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर नाउन क्या होते हैं पहले हमने नाउन पढ़े थे नाउन मीन्स नाउन वो होते हैं जो नेम होते हैं किसी पर्सन प्लेस एनिमल या थिंग अब सिंगुलर नाउन क्या होते हैं सिंगुलर नाउन मीन्स वो नाउन होते हैं जो एक ही इन्फॉर्मेशन बताए एक ही नाम बताए किनका वन पर्सन एक पर्सन का नाम बताए एक ही प्लेस का नाम बताए एक एनिमल या कोई एक चीज़ का नाम बताए वो नाउन जिसमें एक ही होता है एक ही पर्सन एक ही प्लेस एक एनिमल या एक थिंग तो सिंगुलर नाउन मतलब हमें नेम से ही पता चलता है सिंगल सिंगल मीन्स वन सो वो नाउन्स जिसमें एक होता है कौन सा पर्सन किसी पर्सन का नेम कोई प्लेस का नेम कोई एनिमल या कोई थिंग जो ओनली वन होता है दैट इज़ सिंगुलर नाउन फॉर एग्जाम्पल्स विंडो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर एक विंडो दिख रही है हमें सो विंडो इज अ सिंगुलर नाउन क्योंकि वो सिंगल है मीन्स ओनली वन है सो विंडो नेक्स्ट एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर स्ट्रॉबेरी इज अ सिंगुलर नाउन वाई बिकॉज इट इज ओनली वन सिर्फ एक ही स्ट्रॉबेरी है सिर्फ एक हो तो वो होता है सिंगुलर नाउन सो विंडो एक विंडो है स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी भी एक ही है सो ये हुआ सिंगुलर नाउन लेट अस सी अनदर एग्जांपल्स सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर यस इट इज अ ग्लास सो ग्लास एक ही है बहुत सारे नहीं हैं ओनली वन सो सिंगुलर नाउन वो होते हैं जो किसी नेम बताए वो सिर्फ वन होना चाहिए नेम ऑफ एनी वन पर्सन नेम ऑफ वन पर्सन नेम ऑफ वन प्लेस नेम ऑफ वन एनिमल या नेम ऑफ वन थिंग जो एक ही होती है सो ग्लास एक ही है ओनली वन सिंगल है सो इट इज़ अ सिंगुलर नाउन अनदर एग्जाम्पल क्या दिख रहा है आपको इसमें यस यू आर करेक्ट ये है बेंच सो इट इज वन बेंच सिर्फ एक ही बेंच है सो बेंच इज अ सिंगुलर नाउन वाई बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ अ वन थिंग सो बेंच एक थिंग हुई सो वो कितनी है ओनली वन सो जो भी चीज़ें या किसी नेम जो भी नेम होता है किसी प्लेस का पर्सन एनिमल या थिंग विच हैज़ ओनली वन इज नोन एज सिंगुलर नाउन एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर सो ये है थोड़े एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगुलर नाउन मीन्स सिंगल सिंगल मतलब वन सो सिंगुलर नाउन मीन्स द नेम ऑफ एनी वन पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग सो दिस इज वॉट सिंगुलर नाउन मीन्स मीन्स ओनली वन कौन पर्सन का नेम प्लेस एनिमल और थिंग होता है सिंगुलर नाउन एंड फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे दैट इज विंडो जो वन है स्ट्रॉबेरी ओनली वन है ग्लास एंड बेंच सो ये सारे एक एक हैं दैट इज ये सिंगुलर नाउन हुए मूविंग फर्दर अब प्लूरल नाउन पहले हमने नाउन्स देखे नाउन्स क्या होते हैं जो पहले हमने पढ़ा था उसमें दो टाइप्स अभी होते हैं सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन सिंगुलर नाउन मीन्स सिंगल विच इज नेम ऑफ ओनली वन पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग जो वन होता है प्लूरल नाउन इसका अपोजिट होता है प्लूरल नाउन क्या होता है मोर देन वन वन से ज़्यादा सो द नाउन डेट नेम्स मोर देन वन पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग इज कॉल्ड अ प्लूरल नाउन प्लूरल नाउन वो होते हैं जो एक से ज़्यादा बताए नेम्स किसके कोई पर्सन के एनिमल के प्लेस के या थिंग के
जिसमें मोर देन वन हो, एक से ज़्यादा, दैट इज प्लूरल नाउन. नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स. अब एज यू कैन ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर, आपको क्या दिख रहा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यस, विंडोज. अब सिंगुलर नाउन में हमने देखा था एक ही विंडो थी, सिंगुलर मीन्स ओनली वन, प्लूरल में वन से ज़्यादा. सो देखो, वन टू थ्री एंड फोर विंडोज़ है, सो इट इज़ अ प्लूरल नाउन. प्लूरल नाउन वो नाउन होते हैं जो किसी नेम बताए जो मोर देन वन होते हैं. प्लेस, कोई पर्सन, एनिमल या थिंग जो एक से ज़्यादा हो. सो सिंगुलर नाउन में ओनली वन विंडो थी, हमने जो एग्जाम्पल देखा, एंड इसमें इट इज़ मोर देन वन विंडोज़, देर आर टोटल फोर विंडोज़. सो वो विंडो थी, विंडो मीन्स वन, विंडोज़ मीन्स मैनी, मोर देन वन. अनदर एग्जाम्पल, स्ट्रॉबेरीज. नाउ सिंगुलर नाउन में हमने क्या देखा था? येस, ओनली सिंगल स्ट्रॉबेरी थी, मीन्स सिर्फ एक ही थी. प्लूरल नाउन में मोर देन वन, बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज हैं. सो जो एक थी वो स्ट्रॉबेरी, एंड मोर देन वन इज स्ट्रॉबेरीज. सो स्ट्रॉबेरीज एग्जाम्पल किसका हुआ? प्लूरल नाउन का हुआ, मतलब मोर देन वन. लेट अस मूव फर्दर. येस, अनदर एग्जाम्पल, वॉट डू यू ऑब्जर्व? येस, ग्लासेस. अब सिंगुलर नाउन में ओनली सिंगल था, दैट इज ओनली वन ग्लास था, इसमें प्लूरल नाउन में मोर देन वन, वन से ज़्यादा ग्लासेस है. इसलिए जो एक होता है वो ग्लास, मोर देन वन बहुत सारे हों तो ग्लासेस. सो पहले जो थे एक ही ग्लास था, एंड नाउ इट इज़ मोर देन वन. सो काउंट हाउ मेनी ग्लासेस डू यू ऑब्जर्व हियर? येस, इट इज़ सिक्स. सो मोर देन वन जो था वो प्लूरल है, एंड सिर्फ सिंगल ग्लास था वो सिंगुलर है. सो यू कैन ऑब्जर्व मैनी ग्लासेस. नाउ लुक एट अनदर पिक्चर, वॉट डू यू ऑब्जर्व? येस, बेंचेस. अब प्रीवियस सिंगुलर नाउन जो था उसमें एक ही बेंच थी, प्लूरल में मोर देन वन, और इट इज़ थ्री बेंचेस यू कैन ऑब्जर्व. सो इट इज़ प्लूरल नाउन, एग्जाम्पल ऑफ प्लूरल नाउन. उसमें एक थी तो बेंच, इसमें एक से ज़्यादा है तो बेंचेस. सो दिस वॉज अबाउट प्लूरल नाउन एंड इट्स एग्जाम्पल्स. नाउ देर आर सम ट्रिक्स टू सॉल्व द वर्ड्स. सो सम वेज टू चेंज नाउन्स फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल. जो नाउन्स होते हैं उसमें हमें सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है, सो कुछ तरीके, देर आर सम वेज. सो केयरफुली ऑब्जर्व दिस टेबल. सो वॉट डू यू डू? अगर आपको सिंगुलर नाउन दिया है और उसको आपको कन्वर्ट करना है प्लूरल नाउन में, तो आप कैसे करोगे? फर्स्ट स्टेप इज एड एस टू द सिंगुलर नाउन. जो सिंगुलर नाउन होता है उसमें लास्ट में एस एड करते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, सिंगुलर नाउन में विंडो, सो प्लूरल में उसको करना हो कन्वर्ट तो कैसे करेंगे? विंडोज़, मीन्स हमने लास्ट में एस लगा दिया, तो सिंगुलर का वो प्लूरल हो गया. देन फोटो, सो वॉट विल बी इट्स प्लूरल फॉर्म? येस, फोटोज़. सो हमने क्या किया, सिंगुलर नाउन जो था उसके लास्ट में एस लगा दिया तो वो प्लूरल नाउन बन गया. अनदर वे इज़ add es to singular nouns that ends in ch, sh, ss, x and some that end in o. तो अभी जो singular noun होते हैं, जैसे bench, इसमें word है bench, अब वो end किससे होता है? bench के last words क्या है, last letters? ch. तो ऐसे जो भी singular noun हो जिसके last letters या es हो या ch हो या एस एच हो या एस एस हो या एक्स हो और कभी कभी ओ हो, तो जो भी ऐसे सिंगुलर नाउन हो, जो वर्ड्स हो उसमें एंडिंग वर्ड्स सी एच, एस एच, एस एस और एक्स हो, तो हम सिंगुलर नाउन में प्लूरल करना हो तो हम क्या ऐड करेंगे लास्ट में? वी विल ऐड ई एस. जैसे फर्स्ट में वी सॉ डैट वी वर गिवन सिंगुलर नाउन
and to make it plural we added s. Now the nouns, singular nouns which ends with ch, sh, ss or x, we will add es to make it plural noun. Ab bench, so bench end kisse hota hai, ch se, so we will add plural banane ke liye, we will add es, matlab benches. Similarly bush, so bush ends with which letters, last ke two letters kaun se hain bush mein, yes it is sh, so now to make it plural we will add es at the end. Similarly glass, glass ke last two letters kaun se hain, ss, so make to make it plural we will add es, means glasses. Aise hi fox ka foxes, potato ka potatoes. So ye dusra tarika hai, wo kiske liye use hota hai, jab singular noun mein last word, jo last letters hote hain, last two letters, wo ch, sh, ss ya x एंड ओ से एंड होते हो, तब हम प्लूरल बनाने के लिए ई एस डालते हैं. थर्ड वे इज वर्ड्स डेट एंड इन वाई, सो ऐसे वर्ड्स जो एंडिंग उनका लेटर होता है वाई, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वाई को हटाकर आई ई एस डाल देते हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट सिंगुलर नाउन इज बेबी, अब बेबी में लास्ट लेटर कौन सा है, यस लास्ट लेटर इज y. अब y को हम चेंज कर देंगे, y को हटा देंगे और उसके बदले क्या डालेंगे प्लूरल करने के लिए, वी विल ऐड i प्लस ई एस, मीन्स आई ई एस, सो बेबी है सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन होगा बेबीज, सो y को हटा के हम क्या लिखेंगे, आई ई एस ऐड कर देंगे, सो बेबी बेबीज, बेबी इज सिंगुलर नाउन, बेबीज इज प्लूरल नाउन. सिमिलरली स्टोरी, अब स्टोरी में लास्ट लेटर इज y, सो एज पर द रूल वी विल चेंज y एंड वी विल ऐड आई ई एस एट द एंड ऑफ द वर्ड. सो स्टोरी इज अ सिंगुलर नाउन, स्टोरीज इज अ प्लूरल नाउन. अब लेट अस से लास्ट अनदर वे, डैट इज वर्ड्स डेट एंड इन f और एफ ई, मीन्स सिंगुलर नाउन के जो वर्ड्स हैं वो f या एफ ई से एंड होते हो, तो हम उनको चेंज करके क्या ऐड करेंगे, वी विल ऐड वी ई एस. सो वर्ड्स डेट एंड इन एफ और एफ ई, चेंज द एफ और एफ ई टू वी प्लस ई एस, मतलब एफ और एफ ई जो लास्ट लेटर्स होते हैं सिंगुलर नाउन में, उनको हटा के उनको चेंज करके वी विल ऐड वी ई एस. फॉर एग्जांपल शेल्फ, अब इन शेल्फ लास्ट लेटर इज एफ, so we will change the letter f and we will add v e s, so singular noun shelf, plural noun shelves, shelf means one shelf and plural nouns shelves means many shelves. Similarly wife, now wife is singular noun, last letters are f and e, so we will change them and we will add v e s, so singular noun wife, plural noun wives. So these are some ways to change nouns from singular to plural. Moving further, now let us solve our final exercise. So here is the exercise, so we have to fill in the blanks, words will be given in the bracket singular form and we have to write the plural form. For example first is a basket of dash and in bracket it is given mango, so mango is singular noun, so what will be the plural form of mango, what will be the plural noun, yes it will be mangoes. And as we saw previously, as per the rule that the word which has last letter as o, we will add es to convert into plural form, so mango ka mangoes ho gaya. Second, a litter of dash पपी, अब पपी इज अ सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन क्या होगा, यस इट विल बी पपीज. नाउ लेट अस सी अनदर, अ गैंग ऑफ डैश, इन ब्रैकेट इट इज थीफ, थीफ सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन क्या होगा, प्लूरल नाउन विल बी थीव्स.
that is THIEVES. As we saw earlier that the words that end with the letter F, we will change F into VES. So F को हटा के हम last में VES add कर देंगे. So thief का thieves हो गया. Thief is singular while thieves is are plural nouns. Let us see another, a box of dash, and singular noun is match. So what will be the plural noun? Matches. Let us see another, a bunch of dash, and the bracket, in the bracket it is given grape. So what will be the plural form of grape? Yes, it will be grapes. So a bunch of grapes. Now let us see another one, a set of dash, and we have given glass. So glass is a singular form. What will be its plural form? Yes, plural form will be glasses. A pile of dash, in bracket it is given box. Box is a singular noun, so plural noun will be boxes, right? Then a pack of dash, and bracket it is given wolf. So what will be the plural form of wolf? Correct, plural form of wolf will be wolves, V-E-S. So these were some of the exercise. Now some plural forms of nouns are quite different from their singular forms. मतलब कुछ कुछ plural form ऐसे होते हैं जो singular form से different होते हैं. For example, हमने देखा glass तो glasses, fox तो foxes, book तो books. जो singular noun होते थे उससे ही related वो plural forms होते थे उसके. But थोड़े plural forms ऐसे भी होते हैं जो singular forms जो होते हैं उससे थोड़े different sound करते हैं. So let us see some examples of this. For an example, suppose singular noun and plural noun दिया गया है. Singular noun is ox. So plural noun oxes नहीं होगा. Plural noun will be oxen. So singular noun and plural noun थे तो जो भी जैसे words होते हैं plural forms और singular forms जो होते हैं वो similar sound करते हैं. But ऐसा ज़रूरी नहीं है. कुछ ऐसे भी forms होते हैं जिसका थोड़ा sound is different. So for example, ox. Ox is a singular noun. Plural noun will not be oxes. Ox का oxes नहीं होगा. But it will be oxen. Second example, foot. Foot is a singular noun. Now plural will not be foots. Plural होगा feet. Third, goose. Goose is a singular noun. Plural noun will be geese. Child is singular noun. Plural noun will be children. Means ये थोड़े ऐसे examples हैं plural forms के जो singular forms में जो होते हैं वो जब convert होते हैं plural में तो थोड़े different होते हैं. As we saw, ox का oxes नहीं होगा. Ox will be converted into oxen. Plural noun oxen होगा. Similarly, singular noun foot, तो plural noun feet. ऐसे ही singular noun goose, plural noun geese. Singular noun child, plural noun children. Let us move further. Up, there are more examples. For example, tooth. Tooth is a singular noun. So plural noun will be teeth. Then another is mouse. Mouse is a singular noun. Plural noun will be mice. Similarly, man. So plural will be men. M-E-N, men. Singular is woman. So plural will be women. And last, singular noun is louse. So plural will be lice. So here are the different forms of plural nouns, right? So students, here we end our today's English grammar class, chapter 6, singular and plural nouns. Thank you.